मौलवी से मशवरा कर लें, बाकी जो मेरा माइंड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे माइंड के मुताबिक फोरेक्स 100% हलाल है और ये इस्लामिक कानून का बफर कर रही है। सेकंडली अगर फिर भी हराम है तो उसकी क्या वजह है वो हम देखते हैं। यहां पे दो मोबाइल हैं, मोबाइल हैं, मोबाइल नंबर एक में एक लड़की, मुसलमान लड़की है जी, ये पाकिस्तानी लड़की, शायद कोई एक्टर है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका, बट ये पाकिस्तानी है और मुस्लिम भी है साथ, तो इसलिए मैंने इसकी फोटो जो है वो लगाना तरजीह दी है। तो ये मुसलमान लड़की है, इसने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, सेल्फी ले रही है ये, सो ये मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या ये मोबाइल का इस्तेमाल हलाल है या हराम है, आप मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में जल्दी। यहाँ पे दो फोटोज हैं, एक में एक बंदा पुराने पाक रीड कर रहा है मोबाइल के अंदर, तो ये तरीका हलाल है या जो लड़की सेल्फी अपने मोबाइल से ले रही है तस्वीर नंबर एक में, ये तरीका हलाल है? आप जल्दी से कमेंट्स करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी वेबसाइट पर तो वहां पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज जल्दी से मुझे बताएं तस्वीर नंबर एक में नजर आने वाला तरीकाकार हलाल है या तस्वीर नंबर दो में तरीका जो है वो हलाल है, आप बताएं प्लीज। कुरान वाला, कुरान पाक वाला हलाल है, नंबर दो जो तस्वीर है वो तरीका हलाल है, सब यही। इफ्तिखार वही साहब कह रहे हैं कि नंबर एक। ओके जी, किसी भी मुसलमान को, किसी भी इंसान को ये पूछा जाए मुस्लिम को, तो वो यही बताएगा जो कुरान पाक जो एक पढ़ रहा है, एक मोबाइल है, मोबाइल के दो इस्तेमाल है, अच्छा या बुरा। तो एक लड़का जो कुरान पाक पढ़ रहा है या एक लड़की जो मोबाइल पे कुरान पाक पढ़ती है, ये तरीका का हलाल है, और जो तस्वीरें खींचती हैं गंदी गंदी मूवीज या फोटोज या पिक्चर या सॉन्ग सुनते हैं, ये मोबाइल का हराम यूज है। सो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम नतीजा निकालते हैं कि नतीजा ये है कि फोरेक्स या मोबाइल, मोबाइल के हम इस टाइम एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये कि मोबाइल हलाल है, मोबाइल का हराम जो यूज है वो हराम या हलाल होएगा। यानी कि मोबाइल का यूज हलाल या हराम होता है, मोबाइल हराम या हलाल नहीं होता। ना ही आज तक कभी आपने ये फतवा सुना होगा कि मोबाइल यूज करना हराम है, यूज ना करें। भाई मोबाइल का इस्तेमाल हलाल या हराम होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हलाल यूज करते हैं या हराम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है कि आप मोबाइल को हलाल यूज करते हैं और हराम यूज करते हैं। इसी तरह इंटरनेट है, आप इंटरनेट का हलाल यूज भी कर सकते हैं, हराम यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह टीवी है, आप टीवी का हलाल यूज भी कर सकते हैं, हराम यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया की हर चीज है, इसी तरह आपके हाथ हैं, इसी तरह आपके कान हैं, इसी तरह आपके नाक हैं, इसी तरह आपके पांव हैं। आप अपने पांव, हाथ, कान, नाक का गलत इस्तेमाल, हराम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप अपने नाक, कान, मुंह का हलाल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाइक आप कोई गलत काम करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि बूढ़े जो एजड होते हैं वो बड़ी गाली देते हैं हरामी के टाइप की कोई, तो वो ये बता रहे होते हैं कि ये तुम्हारा जो अमल है ना ये हराम है, इसको ना करो। अगर तुम नमाज पढ़ रहे होगे या कोई अच्छा अमल कर रहे होगे, तुम्हें लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हो, लोगों को पॉजिटिव व्यू दे रहे हो, एक पॉजिटिव सोच छोड़ रहे हो लोगों पे, तो ये कभी भी चीजें हलाल या हराम नहीं हुआ करती। मोबाइल, पैंट शर्ट वगैरह वगैरह कोई भी चीज है, दुनिया की कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है, वो हलाल या हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल करो हलाल। इसी तरह फोरेक्स का इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है, एक हलाल एक हराम। आज मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप लोग बहुत खुश नसीब हैं जो मेरे पास आए, आप सीख रहे हो, इसका मतलब है कि आप हलाल काम करना चाहते हो 100%, इस काम को सीख के करना चाह रहे हो, मतलब आप जुआ नहीं खेलना चाह रहे हो। लाइक मैंने कुछ अरसा पहले मोबाइल शॉप ओपन की, मैंने कहीं से कोई काम सीखा नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, इवन मैंने मोबाइल कभी हाथ में पकड़ा भी नहीं था, तो मोबाइल कभी देखा भी नहीं, तो मैं डायरेक्ट मोबाइल की शॉप ओपन कर लेता हूं। तो क्या हुआ, मैंने एक जुआ खेला कि मोबाइल की शॉप ओपन कर ली, अभी मुझे पता तो है कोई नहीं मोबाइल के बारे में, लाख दो लाख मैच कर लिया, मोबाइल कितने का आता है, कहां से आता है, सही होता है, खराब कैसे होता है, इसको सही कैसे करते हैं, तो ये एक मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल हो गया, हराम इस्तेमाल हो गया, कि मैंने कारोबार को वेस्ट, पैसे को वेस्ट करने के लिए लगाया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था,
मुझे इस चीज का नाम भी पता नहीं था, मैंने ओपन कर ली शॉप। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट मैंने बाय कर ली जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी और वो क्या इम्पैक्ट देगी और उसके ऊपर, तो ये गलत इस्तेमाल हो गया किसी में। मुझे कुछ ना कुछ सर्च करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। इसी तरह जब हम फॉरेक्स करेंसी मार्केट में आते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं, तो मैं देखना पड़ता है, मैं सीखना पड़ता है पहले डॉलर कहाँ जा रहा है, पाक रुपीज कहाँ जा रहा है, यूरोप कहाँ जा रहा है, जापानीज येन कहाँ पर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा ऊपर जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा नीचे जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा इसको बाय करना है, मुझे कैसे पता चलेगा इसको सेल करना है। जब तक ये चीजें मैं नहीं सीखूंगा, मेरे लिए फॉरेक्स का जो तरीका कार है ये गलत है और फॉरेक्स पर ट्रेडिंग करना मेरे लिए हराम है, क्योंकि मैं जुआ खेल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है बाय होगा या सेल होगा, मैं अन्य वह बाय कर देता हूँ, अन्य वह सेल कर देता हूँ, ऐसे करके मैं प्रॉफिट कमा भी लूँ तो किसी काम का नहीं, बिकॉज वो हराम होगा मेरे लिए, उसका प्रॉफिट हराम होगा। सबसे पहले हमने देखा फॉरेक्स हलाल है या हराम है। आज आपने अपना माइंड बना लिया होगा तो फॉरेक्स इज हलाल और मुझे इसको कंटिन्यू करना है। आप मुझे किसी की बातों में नहीं आना, अगर आना है तो मुझे पहले ही अपने मौलवी से जाकर फतवा ले लेना। अब मुझे डिसीजन लेना यार, मुझे काम करना है। सो कल से तुम पूछ लो जो भी करना है, अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर लो और फॉरेक्स को हलाल या हराम एक कंसेप्ट बना के आगे चलो, उस पर अपना या मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सेकंड क्या है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सेकंड शीट कौन सी है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, ये डिसाइड करना है कि इसको आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो। आज मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं, आज जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं वो मुझे ये लेना है कि इसको मैंने पार्ट टाइम करना है, मैंने फुल टाइम करना है। मुझे पार्ट टाइम करना है तो क्या तरीके का अख्तियार करना है, मुझे फुल टाइम करना है तो क्या तरीके का अख्तियार करना है। लेकिन जहां तक आप मुझे सुन रहे हो, आपने मैंने आपको अपना स्टार्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसका मतलब क्या था, आपको बताया कि मैं 4 साल पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग करता रहा, फिर उसके बाद मैंने इसको फुल टाइम अडॉप्ट किया। लाइक आपको जब भी आप इसमें इन होने लगे, आप स्टूडेंट हो, आप शादीशुदा हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हो, आप स्पाइस सेंटर चला रही हो अगर आप फीमेल हो, अगर आप टीचिंग कर रही हो या आप मेल हो तो आपको जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो जो भी काम कर रहे हो भाई मेहरबानी उसको कंटिन्यू रखो, उसको डिस्टर्ब ना करो, ये मेरा मशवरा है। आपने खुद डिसाइड करना है आपने क्या करना है, लेकिन मेरा हक भी तो कुछ बनता है ना कि मेरे जो मुसलमान होने के हैसियत या आपकी जो अमानत मेरे पास है वो भी तो मुझे डिलीवर करनी है आपको या नहीं। तो वो ये है कि हमेशा इसको फर्स्ट पार्ट टाइम लेके चलो, अपना एक तरतीब ना हो कि मुझे इसको पार्ट टाइम करना है, मुझे जॉब नहीं छोड़नी, मुझे स्टडी नहीं छोड़नी, मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ना, या बच्चों को मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट पर ब्लॉग चला रहा हूँ या व्हाटएवर कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे वो काम कंटिन्यू रखना है और साथ साथ इसको सीखना है, साथ साथ इसको सीखना है फिर करना है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 2010 में स्टार्ट किया तो 2011 तक मुझे लॉस होता रहा, तो मतलब 1 साल मैंने इस काम में मार खाई। तो मतलब क्या है, मुझे वो सिखाने वाला नहीं था, मैंने मार खाई। आपको सिखाने वाला मैं हूं, लाइक मैंने 3 साल में सीखा, आप 1 साल में सीख जाओगे, आप 6 महीने में सीख जाओगे, आप अगर कोर्स ये मेरा बाय कर रहे हो तो आप 3 महीने में एक्सपर्ट हो जाओगे। इससे अच्छी क्या चीज है, मैंने जो 5-6 साल लगा के जो सीखा वो मैं आपको 3 महीने में या 2 महीने में देने के लिए तैयार हूं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सो इट्स बेस्ट फॉर यू। सो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप पार्ट टाइम करें, लेकिन हलाल है हराम है या पार्ट टाइम करना है फुल टाइम करना है, मुझे आज डिसाइड करके उठना है। मुझे कल दूसरा लेक्चर अटेंड करने से पहले ये मुझे डिसाइड करना है। चलते हैं जी आगे, टाइम काफी हो रहा है। हो टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तीसरी चीज क्या है, मेक अ सीरियस डिसीजन। वाओ, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डिसीजन लेना कि आया कि मुझे इस काम को फुल टाइम करना है, मुझे इस काम को पार्ट टाइम करना है, मुझे इस काम को फनी टाइप करना है, फन मस्ती टाइम पास शौकिया करना है, या मुझे इस काम को संजीदगी से लेना है, मुझे इस काम को पूरी एफर्ट देनी है, मुझे खून पसीना एक करना है इस काम पे, ये आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं ये कोई गेम नहीं है, प्लीज सुन लें, प्लीज ये कोई गेम नहीं है। मुझे कुछ दिन पहले कॉल आई
एक बेचारा दोस्त था हमारा, वो